वेलकम टू नाना क्लासेस दोस्तों। नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 और 27 अगस्त 2021 के राजस्थान करंट अफेयर्स की। कल आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो पाया था, इसलिए 26 अगस्त के भी साथ में और 26 अगस्त 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे सारे विद्यार्थी लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां की जयंती मनाई गई। बरकतुल्ला खां स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में निर्माणाधीन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। अब एक तो होता है पूर्व मुख्यमंत्री, एक तो होता है पूर्व मुख्यमंत्री, एक होता है भूतपूर्व का मतलब होता है पूर्व का, तो मतलब जस्ट जैसे अशोक गहलोत जी है पूर्व के वसुंधरा राजे थी, उनके आगे लग गया भूतपूर्व, ठीक है। लेकिन जब पहले तीन चार मुख्यमंत्रियों को छोड़कर पहले के मुख्यमंत्री को जो होते हैं उनके आगे लग जाता है भूतपूर्व, और जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है फिर उनके आगे लगता है भूतपूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री। तो बरकतुल्ला खान जी की तो मृत्यु हुई है, तो भूतपूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान की जयंती बनाई गई थी 25 अगस्त को। अब ये तो है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्वेश्चन देखिए, बरकतुल्ला खान स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में निर्माणाधीन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जोधपुर के अंदर है। ध्यान रखना अभी बजट में इसके लिए 30 करोड़ की और राशि बढ़ाई गई है, और जो बजट में जिसके लिए भी राशि प्रस्तावित की गई है ना उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। और मैंने स्पेशल आपको बजट का टॉपिक दे दिया, मैंने आपको स्पेशल ये देखिए बजट का 2021-22 का पूरा आपको जितना भी इंपॉर्टेंट था पेपर की दृष्टि से, जब वो किसी का भी राजस्थान के संदर्भ में एग्जाम हो ताजा नई अपडेट के अनुसार कौन सी योजना है सब वगैरह इसमें बता दी। तो इस विद्यार्थी ने अब तक भी वीडियो नहीं देखा है तो ये जरूर वीडियो देख लें। यहां रखना बरकतुल्ला खां राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, और पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले भी मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खान जी। 1971 से लेकर 1973 तक हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और दूसरी बात, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खान जी। तस्वीर देख सकते हो आप, ये देखिए पूर्व भूतपूर्व स्वर्गीय बरकतुल्ला खान जी राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक प्रथम मुस्लिम और पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त मुख्यमंत्री थे, तो बरकतुल्ला खान जी थे। 25 अगस्त को इनका जन्मदिवस मनाया गया। और बरकतुल्ला खान स्टेडियम राजस्थान में का निर्माण दिन है, आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय मैच भी होने के आसार है और आईपीएल के मैच होने की भी आसार है। तो उत्तर आ जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का गृह जिला कौन सा? जोधपुर। वहां पे अगला देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीन चार कई विश्वविद्यालय उनको याद रखना जरूरी है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। इसके कार्यवाहक या कह सकते हैं अतिरिक्त कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी को। किसको? प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी। अब ये प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी कौन है? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। कौन सा? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कुलपति नियुक्त किया गया। जैसे एक राज्यपाल होता है, राज्यपाल को किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, उसी प्रकार इन कुलपति जो कुलपति होते हैं उनको भी दूसरे विश्वविद्यालय के अतिरिक्त या कार्यवाहक कुलपति नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे जोधपुर के कुलपति है प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी। ध्यान रखना राज्यों के अंदर जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होता है वो हमेशा राज्यपाल होता है। कुलाधिपति मतलब चांसलर जो होता है हमेशा राज्यपाल होता है, और जो वाइस चांसलर होता है यानी कुलपति वो चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखना, तो कुलपति पीसी जोशी पीसी त्रिवेदी को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कुलपति नियुक्त किया। इससे पहले ये किसके पास था? ओम थानवी के पास था। ओम थानवी, ये ओम थानवी जो जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसके कुलपति है। इनको कई विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त कार्यभार दिए गए थे। एमएल कुमावत जानते हो, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन, इनकी अध्यक्षता में राजस्थान के अंदर क्यों भर्तियां अटकी हुई है, किस प्रकार क्यों नहीं हो रही है, उसके लिए कमेटी का गठन किया था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एमएल कुमावत ने किए थे। डॉक्टर देव स्वरूप, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो जयपुर के अंदर अभी कांग्रेस सरकार ने दोबारा उसको शुरू किया है उसके कुलपति हैं। तो ये चीजें याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ,
जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय उनका हमेशा चांसलर कुलाधिपति होता है, वो राष्ट्रपति होता है। जैसे हमारे राजस्थान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है बांदर सिंधरी किशनगढ़ अजमेर में, उसका कुलाधिपति पूछेगा कभी तो आपको राष्ट्रपति बताना है। इसके अलावा जो विधि विश्वविद्यालय होते हैं, जो कानूनी विधि विश्वविद्यालय होते हैं, उनके जो कुलाधिपति होते हैं वो हमेशा मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है या संबंधित राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, तीनों पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और कुलपति जी ने नियुक्त किया जाता है। अगला, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट टू हेल्थ विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है, राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान होगा। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो राइट टू हेल्थ, बहुत बड़ी बात है, हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार लाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है पिछली, अब ये कांग्रेस सरकार बनने के बाद बहुत सारे इन्होंने काम किए, जैसे जनता क्लिनिक की शुरुआत कर चुके हैं, ये जनता क्लिनिक की शुरुआत जयपुर और जोधपुर से की जा चुकी है। COVID-19 में आपको पता है बहुत अच्छा नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या शिक्षा चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, इनके द्वारा भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मंडी, जिसको पूरे भारत में रामगंज जो क्षेत्र है जयपुर का, इस दोनों को खूब तरीके से सराहाया गया। इसके अलावा अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कर दी है। 1 मई 2021 से पूरे राजस्थान के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए, और इसके अलावा जो स्वास्थ्य स्कूलों के बच्चों के लिए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान लगातार काम कर रही है। तो लगातार राजस्थान ने चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और अब एक अच्छा और काम करने जा रही है, राइट टू हेल्थ विधेयक लाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। अब कब लाएगी, कब विधेयक पास होगा, इसकी चर्चा जब हम करेंगे तो बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान राइट टू। इसके अलावा राजस्थान निःशुल्क दवा योजना में भी टॉप पे है। निःशुल्क दवा योजना और जांचों के मामले में भी पूरे भारत में राजस्थान टॉप पे है। लगभग निःशुल्क दवा योजना में 712-13 के आसपास दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है, प्लस 70 से बढ़ाकर 90 जांचें फ्री चल रही है। तो इस मामले में भी राजस्थान पूरे भारत में टॉप पे है। और अब ये राइट टू हेल्थ विधेयक लाया जाएगा तो इसकी भी प्रशंसा होगी, बहुत अच्छा काम है। अब कब लाया जाएगा ये आगे जब बात होगी तो हम जरूर चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पे। दिव्यांग जनों को शहरी निकायों में मनोनीत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। दिव्यांग जनों को शहरी निकायों में, शहरी जो निकाय होते हैं उनमें मनोनीत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य, राजस्थान देश का क्या बन गया है, पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके सत्ता और राजनीति में दिव्यांग जनों को भी समान अवसर देने के उद्देश्य से जो शहरी निकायों के अंदर चुनाव होते हैं वहां पे उनकी भागीदारी तय कर दी है। नोटिफिकेशन के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में राज्य सरकार के जरिए नियुक्त होने वाले मनोनीत सदस्यों में के एक सदस्य दिव्यांग जनों से मनोनीत करना तय कर दिया। बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं ना, कहीं 12 सदस्य होते हैं और उसमें लिखा होता है कि एक ST का होगा, एक SC का होगा, एक 20% या 50% महिलाएं होगी या एक महिला होगी, ऐसे होता है ना। अब जब भी ये शहरी निकायों का कोई भी होगा तो वहां पे एक सीट, एक सदस्य कौन होगा, स्पेशल दिव्यांग जन होगा। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। हमारे राजस्थान में नगर निगम कितने, 10 है याद रखना, नगर परिषद कितनी है, 34 है, और नगर पालिका फिलहाल फिक्स नहीं है वैसे, नगर पालिका क्योंकि चेंजिंग होते रहते हैं, फिक्स इनको नहीं आते वैसे। तो नगर पालिकाएं 200 प्लस हो चुकी है, पुनर्गठन चल रहा है, क्लियर नहीं है अभी तक कितना है, जब कभी क्लियर डाटा आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार में कभी पुनर्गठन, कभी हाईकोर्ट में मामला चला जाता है, कभी ग्राम पंचायतों का चला जाता है, तो फिक्स नहीं। तो पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कितनी नगर पालिका है, तो नगर निगम पूछा जा सकता है 10 है, नगर परिषद है 34 है। इस क्वेश्चन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? इसको तो भाई स्टार लगा लेना क्योंकि ये बजट में घोषणा हुई थी, अब इसको अमली जामा, इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो कौन सी है, अंबेडकर DBT वाउचर योजना। हालांकि मैं बता चुका हूं लेकिन पूरा तथ्य आज और बता देता हूं। इस योजना के तहत अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा हेतु SC ST OBC MBC और EWS वर्ग के विद्यार्थियों को ये वाउचर मिलेंगे। संभागीय मुख्यालयों पर रहने वाले को 7,000 रुपए प्रतिमा और अन्य जिला मुख्यालयों के लिए 5,000 रुपए प्रतिमा दे होगा। मेरिट के आधार पर 5,000 छात्रों को ये लाभ
मिलेगा। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत स्टूडेंट ही योजना के पात्र होंगे। जो सरकारी विद्यालयों के अंदर स्नातक कर रहे हैं यानी बीए या जैसे बीसीए या और एमए मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके लिए ये नियमित जो छात्र है उनके लिए ये सुविधा है, याद रखना। कौन सी? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स पे आपको हर रोज प्राप्त हो जाती है पीडीएफ। कोई भी सूचना, कोई भी लिंक आपको यहाँ पे तुरंत प्राप्त होता है। और एक इस टेलीग्राम पे आपको एक चैनल मिल रहा है प्रताप क्लासेज, ठीक है, प्रताप क्लासेज। जो विद्यार्थी बीएसटीसी पीटेट के विद्यार्थी कर रहे हैं, करंट जीके का मैटर देखना चाहता है, वहां देख ले, वो लिंक है, उस लिंक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। बीएसटीसी और पीटेट के लिए स्पेशल मेरे द्वारा संग्रह किया हुआ राजस्थान करंट अफेयर्स वहां पे मिल रहा है, तो आप जरूर वो वीडियो देखें और इस चैनल को सपोर्ट करें। राजस्थान के खिलाड़ी मोनिका पटेल का संबंध किस खेल से है? राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी है मोनिका पटेल, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, सुन लीजिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा। मोनिका पटेल का संबंध किस खेल से है? तो वो है कौन सी? क्रिकेट। कौन सी क्रिकेटर है? महिला मोनिका पटेल। पाली जिले के चेतारण तहसील के खेड़ा रामगढ़ गांव की मोनिका पटेल का इंडिया की वनडे और टी20 टीम में चयन हुआ था। पाली की चेतारण तहसील के खेड़ा रामगढ़, इतना नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो जिला पाली, मोनिका पटेल, खेल कौन सा? क्रिकेट। बस इतना याद रखना क्योंकि नया चर्चित कोई भी खिलाड़ी होगा वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। मोनिका पटेल क्रिकेट सी है। बाकी आपको बताया 7 से 8 खिलाड़ी हमारे और पेरा ओलंपिक टोक्यो के अंदर अब शुरू हुए हैं, वहां पे भाग ले रहे हैं, वहां से कोई पदक आएगा तो उसकी चर्चा हमें जरूर करेंगे। इसके अलावा हमने बात की थी भावना जाट की। भावना जाट राजसमंद की है, एथलीट है, टोक्यो में उन्होंने भाग लिया था। अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश सिंह पंवार, ये भी कौन से खेल से थे? ये निशानेबाजी थे, ये भी टोक्यो ओलंपिक में गए थे लेकिन कोई पदक हासिल नहीं हुआ। तो जो मुख्य मुख्य खिलाड़ी है, और एक और खिलाड़ी प्रिया पुनिया चूरू जिले की है, राजस्थान की एकमात्र जो महिला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थी, और अब इनका सिलेक्शन किसका हो गया? क्रिकेट के अंदर मोनिका पटेल का। तो इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज पर्व बनाया गया, यह किस जिले की प्रसिद्ध है? अब ये मैं क्वेश्चन कितनी बार आपको बता चुका हूं क्योंकि शाम 9 बजे हमारी जो क्लास आती है उसमें मैंने बहुत बार चर्चा की है, और आज लास्ट ऐतिहासिक 100 नंबर क्लास आएगी, फिर एक महीने आपको बताया शाम वाली क्लास नहीं मिलेगी। शाम वाली 9 बजे की बात कर रहा हूं, सुबह वाली तो मिलेगी। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज का पर्व बनाया गया। कौन सी? कजली तीज का पर्व बनाया गया, यह किस जिले की प्रसिद्ध है? बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। अभी अब इसके नाम देखना, याति कब है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कजली तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और बड़ी तीज इसके नाम है। देखो बड़ी है इसलिए भाद्रपद का महीना बहुत बड़ा होता है। अब ये मेलों का बड़ा मेला, लेकिन भाद्रपद महीने के में जो रेणेचा में रामदेवरा मेला लगता है वो कोविड-19 के चलते आपको पता है रद्द कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि लक्खी मेला लगता है, एक दिन में लाखों श्रद्धालु आते हैं, और एक राजस्थान के नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से श्रद्धालु आते हैं, तो कोई रिस्क न ले इसलिए सरकार ने इसको रद्द किया है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और बड़ी तीज बनाई जाती है। कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। और एक होती है छोटी तीज, ठीक है, उसके दो ही नाम है, एक तो छोटी तीज और एक सावनी तीज, दो ही नाम है, इससे त्योहारों का आगमन हो जाता है। ये जयपुर की प्रसिद्ध है, और कब मनाई जाती है? सावन शुक्ल तृतीया को। बस इतना याद रखना, ये सावन शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को दे दिया मैंने, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, किताब मॉन्क इन ए मर्क का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? पुस्तक किसके द्वारा? बहुत ही खास है और पेपर में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। मॉन्क इन ए मर्क एक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है, ये डॉक्टर अशोक पनगड़िया की है। डॉक्टर अशोक पनगड़िया का हाल ही में निधन हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और अशोक पनगड़िया का जब भी नाम आएगा तो याद रखना 2014 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और अब यस्टरडे आज के लिए डोज छोड़ के जाता हूं, क्वेश्चन फॉर यू छोड़ के जाता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क निर्माण में राजस्थान का देश में स्थान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क निर्माण में राजस्थान का देश में स्थान। पहला, दूसरा, पांचवा, आठवां, सही जवाब आपको क्या देना है कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज थी मीराबाई के बचपन का नाम। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब पेमल मीराबाई। अंतिम समय द्वारिका गुजरात में बिताया। गोगा जी का वाहन इनकी घोड़ी थी, नीली घोड़ी थी, और अब गोगा जी, अभी भाद्रपद कृष्ण नवमी आने वाली है तो गोगा जी का पर्व बनाया जाएगा। किस वाद्य यंत्र की आकृति अंग्रेजी के बी अक्षर जैसी है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वाद्य यंत्र की आकृति अंग्रेजी के बी अक्षर जैसी है? खड़ताल। कौन सी? खड़ताल।
केंद्रीय राज्य मंत्री ध्यान रखना अर्जुन राम मेघवाल का संबंध किस लोकसभा क्षेत्र से, तो बीकानेर से है, ये संसदीय और जो बड़े उद्योग होते हैं उनके मंत्री हैं। जालोर जिले के कोपेन के जलवायु वर्ग, जालोर जिला है वो कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में आता है, तो WWSHW। और ये मैंने आपको जलवायु का बढ़िया तरीके से टॉपिक कोपेन के बारे में बता दिया चारों के चारों, तो समझ में आ गया होगा। पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस भी विद्यार्थी ने कमेंट में जवाब दिया सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए, मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव किस शासक के शासन काल में हुआ, उंटाला का किला किस जिले में है, उंटाला का किला किस जिले में है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केला पानी किस जिले में है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है केला पानी किस जिले में है, रानी सती का मंदिर किस जिले में है, और पर्चा बावड़ी किस जिले में। तीनों पांच में से तीन थोड़े से टफ क्वेश्चन है, दो आसान है, लेकिन टफ क्वेश्चन का मतलब है आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं कहीं से और उनके उत्तर लिखने हैं। पांचों के पांचों क्वेश्चन बेहतरीन शानदार तरीके से कमेंट में जवाब देने, जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना जो भी विद्यार्थी है, और हमारे जितने भी वीडियो दिए गए हैं जैसे जनवरी से जून ये देखना न भूलें, मई जून जुलाई का देखना न भूलें, और एक वीडियो जो मैंने आपको बताया था ये प्रताप क्लासेज में BSTC PTET के लिए चल रहा है, और एक और बता देता हूं बजट का, जिसने अब तक नहीं देखा है वो जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए खास है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाना, क्योंकि हमारी फिक्स क्लास होती है 15 से 18 मिनट की क्लास होती है जिसमें इंपॉर्टेंट रोज सुबह 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।